भी जीना चाहती थी, ज्योति सिन्हा की तरह अपराधियों से लड़ना चाहती थी। क्या चाहती थी, क्या हो गया? इस दुनिया में इंसाफ नहीं है। जिंदगी का वो आखिरी फैसला जिसमें हालात से हार की लाचारी छिपी होती है। आखिर इस लड़की की ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या लाचारी थी कि इसे मौत को गले लगाना पड़ा? और मरते वक्त अपने सुसाइड नोट में इसने जिस ज्योति सिन्हा का जिक्र किया, वो कौन थी? क्या संबंध था इन दोनों? अरे नाश्ता तैयार है, अरे गिर जाओगी, अरे सुनो तो, रुको रुको रुको, अरे पैर हाथ टूट जाएंगे ना तो कोई शादी भी नहीं करेगा, अरे रुको तो। ओहो, अब समझाते क्यों नहीं है इसको, अब बच्ची नहीं रही, अरे गिर जाएगी तो कोई शादी भी नहीं करेगा इससे। ओहो, क्यों बड़बड़ करती रहती, जाओ यहाँ से। समझाइए ना। अरे आजा आजा, जल्दी आजा, आज फिर हार गई, देह में जान है नहीं, और चलते कॉम्पिटिशन करने। कितना बदमाशी करता है ना, सारा दिन मस्ती। चल अंदर, चल 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 अंदर, जूता खोलो, नाश्ता करो जा करके। अरे तू लड़का है, वो लड़की है, भला वो तेरे से कहां से पार पाएगी? माँ, अब ना वो जमाना चला गया जब लड़कियों को कमजोर समझा जाता था, अब बेटियों की डिमांड बेटों से ज्यादा है। अरे चल चल, हवा ने दे। ए, बेटा, माँ, क्या कर रहे हो? दीदी, तुम तो मुझे दौड़ में कभी हरा नहीं सकती हो, और जिस दिन हरा दोगी ना, मैं मान जाऊंगा। अरे वाह, ये तो कंपटीशन वाला बात हो गया। देख बेटा, तू इस मोटू को हरा के ना ये साबित कर दे कि मेरी बेटी तुम्हारी मम्मी के बेटे से बहुत आगे है। क्यों जी? अरे आप भी ना बेमतलब की बात करते हैं, चल तू अंदर चल अब। बेटा हौसला रख, हिम्मत रख, देखना एक दिन कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। मेरा बच्चा। ये क्या कर रहे हैं आप? तब से नौटंकी कर रहे, देख रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। आपको FIR लिखना पड़ेगा अभी। आशा अपनी मर्जी से नहीं गई है सर, उसे अगवा करके ले गए हैं विक्की और कुछ और लोग, और कुछ और लोगों ने हमारे साथ देखा है उसको ले जाते हुए। उन्हें पता है कौन लोग, इसलिए वो गवाही नहीं दे रहे। अब जाओगी, नहाने दोगी मुझे? सुनिए, अरे काहे बदनामी मोल ले रहे हैं आप है? उस लड़के को गिरफ्तार करवा के 2 दिन में बाहर आ जाएगा, फिर आपकी लड़की का जो हाल होगा पता है आपको? जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी, खिलाना उसको, शादी नहीं होगी उसकी। इसलिए बार बार आपके हित के लिए समझा रहा हूँ कि बच्चा लोग हैं, इस उम्र में हो ही जाता है। जाइए, परेशान मत होइए। अब जाइए भाई, दिमाग खराब कर दिया है, हित करो, पुलिस बदनाम। क्या क्या बात करते हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप सच बोल रही हैं? क्या हुआ माँ? अरे बेटा, अरे बेटा, कब तक शोक बनाती रहोगी? आशा की जगह मैं होती तभी आप यही कहते। बदल समाज को, बदल तो सिस्टम को, कोई बाहर से नहीं आएगा, ये तुम लोगों को करना है, ये तुम नौजवानों की जिम्मेदारी है, कोशिश करो बेटा। तय तो कर लिया पापा मैंने, मैं समाज को बदलूंगी, मैं पुलिस की सर्विस ज्वाइन करूंगी। अरे जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। आ रही हूँ, एक मिनट। अरे तुम लिट्टी परोस रही हो, यहाँ गोला फेंक रही हो। देखिए, मैं बोलूंगी तो आप बोलेंगे कि बोलती है। मुझे जरा सा भी पसंद नहीं कि मेरी बेटी पुलिस में जाए। अरे पुलिस में जाएगी तो कौन ब्याहेगा उसे? तुम चिंता मत करो, एक हंटर घुमाएगी ना तो लड़कों की लाइन लग जाएगी। बिल्कुल ठीक पापा। हाँ हाँ, चढ़ा लो अपनी बेटी को, और क्या क्या है गुब्बारे? ए, पुलिस वाली बनेगी तू? अरे उस दिन उस गुंडे ने तेरे को एक थप्पड़ क्या मारा, तू तो 1 घंटे के लिए बेहोश हो गई थी। जो ना, अपराधियों का साथ, रात बेरात की ड्यूटी, मार पीट, गाली गलौज,
ये सब कुछ जानते हुए भी ज्योति ने पुलिस की नौकरी करने का फैसला किया। वो अच्छी तरह जानती थी कि पुलिस की नौकरी में उसे ऐसा कोई भी सुख नहीं मिलने वाला है जिसका सपना एक आम लड़की देखती है। लेकिन फिर भी एक बेहतर समाज और इंसाफ के लिए उसने ये कठोर फैसला किया। ये नौकरी पाने के लिए भी ज्योति को जीतोड़ मेहनत करनी पड़ी और उसे ऐसी कठोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा जिसमें मर्दों के भी पसीने छूट जाते हैं। लेकिन ज्योति कामयाब है। लेकिन उसकी ये कामयाबी उसके संघर्ष का अंत नहीं थी, ये तो बस एक शुरुआत थी। और कोई जगह होती तो मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन पहली ही पोस्टिंग और वो भी उन कोयला माफिया के एरिया में। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है तू? कौन करेगा तुझसे शादी? अरे जिन हाथों में चूड़ियां पहननी चाहिए उन हाथों में क्या बंदूक लेके घूमेगी तू? तूने जो रास्ता चुना है ना बेटा, वो आसान नहीं है। मैडम, इसके पास भी चालान नहीं है। मतलब यहाँ आधे से ज्यादा ट्रकें गैर कानूनी तरीके से कोयला ले जाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बेटा, तुझे तो मर्दों से ज्यादा टफ बनकर दिखाना है। इस पूरे एरिया को सील कर दो जी, और सब ट्रकों की नाकाबंदी लगा दो जी। तभी लोग तेरा सम्मान करेंगे, तुझे सलाम करेंगे, समझे बेटा? मैडम, ये सब 90% बिना चालान के हैं। ये लोग सब कोल माफिया संतोख सिंह का आदमी है। क्या करना है इन लोगों का? क्या करना है, सील कर दो ट्रकों को सारी, और जो ड्राइवर बयान देना चाहे उनका बयान रिकॉर्ड कर लो कैमरे में, जो ना दें उनको अंदर डाल दो। मैडम, आपको फोन। कौन है? यहाँ के नेता विजय बाबू। कौन? यहाँ के नेता विजय बाबू। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बहुत आवाज है ना यहाँ पर, शोर है आसपास। बोलना, वापस फोन करती हूँ मैं। ये संतोख सिंह के खिलाफ पेपर तैयार करो, उसको आज ही उठवाएंगे। जी निकलिए यहाँ से। संतोख सिंह कहाँ है? भैया फैक्ट्री में है, उनको बहुत काम है अभी, चलिए निकलिए यहाँ से। ये क्या है? लाइसेंस है इसका? ये भैया का है। आर्म्स एक्ट में डाल दो इसको, बाकी सब का भी चेक करो। ए, ए, ए। भैया बोल रहे हैं कि तुम कहाँ ले जा रही हो? तुम नीचे उतरते हो, मैं खींच के उतारू नीचे। जाओ उसको लेके आओ नीचे खींच के। मैडम, मैडम कहाँ ले जा रही हैं? मैडम कहाँ ले जा रही हैं? अरे कुछ हमारा भी तो इज्जत है, आप कहाँ ले जा रही हैं हमें? तेरी इज्जत मैं दिखाती हूँ, चल इन सब के सामने खींच के ले जाऊंगी तुझे। अरे सुनिए, अरे हमारा पहुंच बहुत ऊपर तक है, हम देख लेंगे आपको, हम बहुतों को देख लिए हैं। हाँ मैडम, हवालात में अब और कोई जगह नहीं है। ठीक है, हथकड़ी पहना के कोने में बिठा के रखो जी मैं। पर नजर रखना, और जिन जिन ट्रक मालिकों का पता चल पाया है उनको नोटिस भेजना और बोलना कि यहाँ है, वरना हम आएंगे। ओके मैडम। और नजर रखना उन पर। ओके मैडम। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट आपकी इज्जत करता है, लेकिन आपने तो हद कर दी ना, ये कोई सिस्टम हुआ इस तरह से गिरफ्तारी करने का? सर मुझे तेरा तरीका नहीं आता, जो साफ दिख रहा हो उसके बारे में 100 बार सोचकर क्या फायदा? लेकिन आप जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है वो आधे छूट गए हैं और कल तक आधे छूट जाएंगे, आपने क्या अचीव किया?
और हमें मजबूरन आपको दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ा। सब शायद मैं वो अचीव नहीं कर पाई जो मैं करना चाह रही थी, पर मुझे अपने तरीकों पर पूरा विश्वास है। यानी कि आप नई जगह जाकर भी कुछ ऐसा ही करेंगे? यस सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ज्योति की सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। अपराधियों को गिरफ्तार करके उसने सामाजिक गंदगी साफ करने का जो अभियान शुरू किया था, उसे एक सरकारी फरमान ने चुटकी में ध्वस्त कर दिया। ये उन्हीं चंद लोगों की कारस्तानी थी जिनकी वजह से पूरा सिस्टम बदनाम होता है। जो लोग अपने लालच और डर की वजह से अपराधियों का सामना करने के बजाय उनके आगे घुटने टेक देते हैं और ज्योति जैसे अफसरों की राह के रोड़े बन जाते हैं, इन लोगों की वजह से जनता का विश्वास पूरे सिस्टम पर से उठ जाता है। लेकिन ज्योति आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। ज्योति जहां भी जाती, 3-4 महीनों में उसका तबादला कर दिया जाता। लेकिन उसने अपना रवैया नहीं बदला। कमजोरों, सताए हुए लोगों, महिलाओं और दलितों के लिए वो काम करती रही। अपराधी चाहे कोई नेता हो या जमींदार या फिर किसी अधिकारी का रिश्तेदार, वो किसी के प्रति कोई भी नरमी नहीं बरतती थी। और उसके इसी सख्त रवैये के कारण अखबार वालों ने उसका एक नया नाम रख दिया, हंटर बॉय। लेकिन ज्योति खुश नहीं थी। वो अपराधियों को पकड़ जरूर रही थी लेकिन उन्हें सजा नहीं दिलवा पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर करे तो क्या करे। बहुत गलत टाइम पे आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट। जजमान 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 प्रणाम, माफ कीजिएगा थोड़ा सा विलंब हो गया। वो कहे कि अपनी बिटिया बहुत बड़ी अफसर है ना, तब कोई साधारण लड़का चलेगा नहीं। 3 DM, 2 IPS अफसर, 1 बहुत बड़ा बिजनेसमैन, विदेश में रहता है। फोटो साथ लाए हैं, देखिएगा जजमान। क्या ये? अरे इस तरह क्या देख रही है? इस लगन में तुझे बांधना जरूरी है। कोई लगाम खींचने वाला आ जाएगा ना तो तेरी सारी दादागिरी दूर हो जाएगी। प्लीज माँ। ओहो, अरे रुको तो, इतनी बड़ी अफसर होके शर्मा रही है। अरे पंडित जी, बेटी IPS अफसर हो या प्रधानमंत्री, माँ बाप के लिए तो माँ बाप ही रहे। आइए जजमान, आपको हम फोटो दिखाते हैं। आइए बैठिए। ये देखिए। अच्छा अच्छा, आइए ना जी, आप भी देखिए ना। आप देखिए। अरे देखिए तो। मैं आता हूँ। अच्छा दिखाइए पंडित जी, कौन कौन है? ये DM साहब है। अच्छा। क्या बात है बेटा? पापा मेरी प्रायोरिटीज कुछ और हैं अभी पापा। मुझे डर लग रहा होता है कि मैं कहीं असफल ना हो जाऊं। इस सिस्टम में रहकर उसे सुधारना बहुत मुश्किल है। तू तो जानती है बेटा कि ईमानदारी में कितनी ताकत होती है, जिसके लिए सारे तेरे बड़े अफसर तुझसे खौफ खाते हैं। बेटा हिम्मत रख, हौसला रख, और कामयाबी मेरे कदम चूमेगी। अच्छा तुझे ये याद है? और क्या, इतनी बार तो बोल चुके हैं। अच्छा बेटे एक बात बता, तेरा तो ऐसे ही ट्रांसफर होता रहता है हमेशा इधर उधर, पर तूने खास पोस्टिंग मांगी है, कोई राज की बात है बेटा? ओह, टॉप सीक्रेट, IPS सीक्रेट। आशा को न्याय और समाज की गंदगी को सुधारने के लिए ही तो उसने पुलिस सर्विस को अपनाया था और अपने आप से किया वचन पूरा करना चाहती थी। सारी फाइल्स टेबल पर चाहिए और मुझे उसके घर का पता भी दीजिए। नहीं नहीं, मुझे फोर्स नहीं चाहिए, मेरे थाने में इंतजार कीजिए। हाँ बोलिए, वहीं पहुंचती हूँ मैं। सुंदरकांत बाबू आप हैं? जी, वरुण बाबू बोले थे आपसे मिलने के लिए तो हम आ गए। ये उनका एड्रेस है। देखिए केस छोटा दिखता है लेकिन है बहुत बड़ा, उसको इंसाफ मिलनी चाहिए। वो भी आपकी तरह IPS बनना चाहती थी। अच्छा, आपकी बहुत बड़ी फैन थी वो। एक्सक्यूज मी मैम, अब मैं चलना चाहूंगा। yeah. बहुत आभारी हूं आपका कि आप इस शहर में पधारी। बहुत तलाश के बाद आपका पता लगा तो सुमन के केस का विवरण मैंने आपको भेज दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ आप ही पर भरोसा है। मेरी सुमन को कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो सिर्फ आप ही हैं। बहुत बड़ी फैन थी आपकी वो। आज ही खोले हैं इस घर को, यहीं पर वो
मरने से पहले बहुत दुखी रहा करती थी, कहती थी कि इस दुनिया में इंसाफ नहीं है। मरने से पहले ये चिट्ठी लिख गई है वो। ये टेबल उसी का है? हाँ, यही बैठकर स्टडी करती थी, इसी टेबल पर बैठती थी, इसी कुर्सी पर बैठती थी। मेरी जिंदगी में अपमान के अलावा कुछ भी नहीं बचा। विजेंद्र ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, अगर मैं उसे सजा दिलवा पाती तो मैं एक बार फिर से सर उठाकर जी सकती। लेकिन पुलिस ने आज 3 महीने बाद भी उसके नाम का कोई FIR नहीं दर्ज किया। वो शहर में राजा की तरह घूमता है और मैं अब समाज भी मुझे एक गंदी नजर से देखने लगा है। अगर यही समाज है, यही कानून है, तो मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। मुझे अफसोस है कि मैं ज्योति सिन्हा की तरह IPS ऑफिसर नहीं बन पाई। मेरी आत्मा तब तक अशांत रहेगी जब तक विजेंद्र को सजा नहीं मिलेगी। इसका सिर्फ जिम्मेदार रामादीन सिंह का बेटा विजेंद्र है, सुमन। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इस गरीब की फरियाद सुनकर आप यहाँ तक आ चुकी। अब मुझे लगता है कि मेरी सुमन की आत्मा को शांति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। सुमन को इंसाफ मिलने का वक्त आ गया। मेरी दोस्त आशा भी यही चाहती, इन जालिमों का अंत हो। फिक्र ना कीजिए। दूर महाराज, हमको तो हुआ कि मैडम आई है, झूठे ना इतना जोर का सैल्यूट मार दिए। अरे मैडम, आप आ गई। जय हिंद मैडम। ओ, अशोक मंडल आप हैं? जी मैडम। आप ही ने भेजा था उसको म्यूजियम पे? जी मैडम। ये सब क्या है? जी, आपके स्वागत के लिए आया। क्या? जी, पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं, यहाँ के ठेकेदार रामदीन बाबू की ओर से थे। मैडम, यहाँ जो भी पुलिस पदाधिकारी आते हैं वो उसे अपने थाली का चोखा बनाने की कोशिश करते हैं, और शायद आपके बारे में भी उनका यही ख्याल है। उनके गुड़गे अंदर आपके केबिन में बैठ के आपका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ? केबिन में? जी मैडम। अरे उसको मना किया था कि टेंडर मत डालो, तयो बाईपास वाला रोड पर टेंडर डाल दिया। क्या गया, मारा गया? अरे उसकी मेहरारू आ गई। क्या है सब? आप लोग यहाँ पर आए हैं इस तरह से, जानते हैं इसका अंजाम क्या होगा? अरे इतना सुंदर मैडम आई है, इनका स्वागत के लिए माला लाओ रे, लाओ आ गया। अरे हम तो आपका इज्जत करने के लिए आए थे मैडम, आप तो नाराज हो गई। कौन है आप? हम गर्जू सिंह। वो भैया का नाम तो सुना ही होगा आपने, रामदीन सिंह। अब बड़का भैया का आदेश था कि जाके कने देख के आबा कौन महिला SP आई है। ये जो चेला चपाटी है ना, अब ये सब कहा जो मैडम तो जींस पहनती होंगी। अरे देखो रे, देखो जींस में कितना अच्छी लगती हैं। कहाँ आप पुलिस में आ गई मैडम, आपको तो हीरोइन होना चाहिए। हीरोइन क्या समझता है रे कि मैडम जनानी जाते हैं तो अकेली हैं? अरे हम हैं इनका साथ। और एक बात और मैडम, हमारे साथ जो होता है इस इलाके में वो सुखी से रहता है। चलो रे सब, देख लिया ना महिला SP को? हाँ, आज जींसों पैंट देख लिया, और कुछ देखेगा क्या? सुनिए मैडम, कोनो चिंता करे की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ, ठीक है ना? चलते हैं, अभी प्रणाम करते हैं, चलते हैं। अशोक बाबू। जी मैं। बहुत मन बढ़ गया इन दोनों भाइयों का, दोनों के सारे रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए अभी। जी मैं। देखती हूँ उस गर्जू बाबू को। जय हिंद।
मैडम। माधव सिंह तुम हो? जी मैडम। ये क्या कर रही है मैडम? मैडम ये क्या कर रही है आप? अंदर डालो इसको, पकड़ो। विजेंदर रामादीन का बेटा है और गर्जू बाबू का भतीजा। अजब की बात यह है कि इतने सारे क्राइम रिकॉर्ड्स होने के बावजूद लिखित रूप में बहुत कम है, और जो है उनमें उसे बेल हो सकती है। देखिए मैडम, अगर सुमन के पिता को सरकारी गवाह बना ले तो शुरुआत तो हम कर ही सकते। हेलो, जय हिंद सर। जी सर, शो मैं 11 बजे आ जाऊंगा। डीएम साहब का फोन था, कल सुबह ऑफिस बुलाया है। मैडम कमाल के आदमी हैं, पर अब तक इनको शायद कोई सही आदमी नहीं मिला, पर लगता है कि अब कुछ अच्छा होगा। चलिए आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, और कल सुबह सबसे पहले हमें सुमन के घर पे जाना है। दैट इज अर्ली मॉर्निंग। ओके मैम। ओके, गुड नाइट। रामदीन के आतंक से अपने छोटे बेटे को बचाने के लिए सुमन के पापा ज्योति को सुमन केस में गवाही देने से मना कर देते हैं, पर ज्योति यहां पर भी निराश नहीं होती है और वो रामदीन के खिलाफ अपनी मुहिम और तेज कर देती है। शोक बाबू समझ रहे हैं क्या हो रहा है? हाँ मैडम, वो आदमी अचानक बदल गया, मजबूर कर दिया गया उसको। विजेंद्र के आदमियों ने मुंह बंद कर दिया उसको। हम विजेंद्र के मुंह में आग डालकर उससे सत्य उगवाएंगे। मिस ज्योति सिन्हा, बिफोर ऑफिशियल टाइम, बिल्कुल वैसा ही जैसा पढ़ा था। गुड, आई लाइक इट। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। शर्मिंदा की क्या बात है? सुना है आते ही शहर में आप कुछ धमाल करने वाली हैं। क्या है वो धमाल? हैव सीट प्लीज। थैंक यू सर। सर विजेंद्र सिंह जो रमादीन का बेटा है और गर्जू बाबू का भतीजा, वो सुमन मर्डर केस का आरोपी भी है, और उस केस के बारे में हम कुछ कर नहीं पाए हैं। मैं अभी तक सबूत ही ढूंढ रही हूँ, पर अंदर तो सर उसे करना है। गुड, लेकिन सबूतों के आधार पर उन्हें बहुत ज्यादा दिनों तक अंदर नहीं रखा जा सकता। उन्हें सजा दिलवाने के लिए ऑन द स्पॉट क्राइम करते हुए उन्हें पकड़ना पड़ेगा, बगैर उसके तो वो बड़ी आसानी से छूट जाएंगे। राइट सर, मैं समझ रही हूँ। ओके सर। ओके, और हाँ ध्यान रखना, उनका बहुत बड़ा गैंग है। कोई बात नहीं सर, हमारा भी बहुत बड़ा गैंग है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद सर। जय हिंद। मैडम, आपके कारनामे से लोगों का विश्वास फिर से जगा है, लोग पुलिस की मदद करना चाहते हैं। खबर मिली है मैडम कि रामदीन और विजेंद्र जो है एक पुल का शिलान्यास करने वाले हैं। हालांकि लोगों को ये बात नहीं मालूम है, लेकिन ये खबर बिल्कुल पक्की है। इस बार नहीं छोड़ेंगे उसे। चलो टीम तैयार करो। ओके। हाँ हेलो मैडम। हाँ बोलो। यहाँ कोई साधारण सी पूजा चल रही है मैडम, और वो विजेंद्र भी यही है। हाँ कुछ पाइप है, उस पाइप के पास ही पूजा हो रही है, और उसके अंदर भी कुछ लोग हैं। पाइप में जाकर देखो। जी देख रहे मैडम। ठीक है बताओ मुझे। अरे चल 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 यहाँ से जा। चल 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 निकल चल। अच्छा, निकल जा। ठीक है ठीक है, जा निकल। जा रहे हैं, जा रहे जा निकल। हाँ बोलो। इनके आदमी जो हैं वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मैडम। ठीक है तुम वहाँ से फटाफट निकलो, हम बस पहुँच रहे हैं। ठीक है ठीक है मैडम। ओके ओके, थैंक यू मैडम। रामदीन बाबू, अब पुष्प अर्पण करने का समय हो चुका है। पंडित जी, मेरे जगह पे मेरा बेटा अगर पुष्प अर्पित करेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कराइए। जल्दी जल्दी जल्दी। स्पीड बढ़ाइए आप, उनके जाने से पहले पहुंचना है हमें। शांति शांति।
अरे पुलिस आ गई, पुलिस, अरे पुलिस आ गई, तुम क्या देख रहे हैं, भाग यहां से, पकड़ना मत, साबाश, भाग यहां से, बाद में हम देख लेंगे, भाग भाग साबाश, भाग, ए विजेंदर, भाग साबाश साबाश, चलो रिवर्स करो, वहां से लो पीछे उसके, जल्दी उसको पकड़ना है, स्पीड बढ़ाओ। चला रही है, हम भी दंदना दिखा, रोक, नहीं नहीं भाई रोक, नहीं मत मारो, मत मारो मुझे, रोक भाई, छोड़ दो छोड़ दो। मैडम आपने मेरे बेटे की जान बचाई, मैं आपका एहसानमंद जिंदगी भर रहूंगा। बेटा मैडम को ये गिफ्ट करो। मैडम ये आपके लिए, मैं भी आपकी तरह ही बनना चाहता हूँ। थैंक यू, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत दौड़ना भी पड़ेगा। करूंगा मैडम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। आइए इसको उठाओ, बंद करो हवालात में अभी। अशोक बाबू आवाज किसकी है? अशोक देख कर आओ। जी मैडम। मैडम ये लोग तो पूरा फौज लेकर के आया हुआ है और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहा है। चाहते क्या है? ये लोग चाहते क्या अशोक बाबू? मैडम ये लोग चाहते हैं कि आप सरेआम इनसे माफी मांगे और विजेंदर को छोड़ दें। मैडम मेरे ख्याल से आपको लाठीचार्ज का ऑर्डर दे देना चाहिए। पहले मैं इन्हें समझाऊंगी। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। ज्योति सिन्हा हाय हाय। शांत हो जाइए, देखिए आप लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं। शांत हो जाइए और चले जाइए यहाँ से। कानून को अपना काम करने दीजिए और पुलिस कोई भी एक्शन ले सकती है। अरे आप क्या एक्शन लीजिएगा, अब हम लोगों का एक्शन चालू हो गया है, अब हमारा एक्शन देखिए। कौन है जी? मैडम सारा प्रशासन तो इधर ही लगा है। अशोक जी मैडम, मैडम वो लोग पीछे का दीवार तोड़ करके उसे लेकर चले गए। जाओ पीछे करो। जी मैडम। कानून का जो फंदा विजेंद्र पर कसा था उसे उसके साथियों ने बेहद शातिर तरीके से काट दिया। ज्योति की सारी मेहनत पर एक झटके में पानी फिर गया। हालांकि अपनी नई पोस्टिंग पर आने के बाद ज्योति ने अपनी रणनीति में बुनियादी परिवर्तन कर दिया। अब वो पहले वाली ज्योति नहीं रही थी जो अपराधियों को देखते ही उन पर टूट पड़ती थी। अब वो जुर्म के खिलाफ अपना हर कदम बेहद सोच समझ कर उठाती थी। लेकिन रामदीन भी कम शातिर नहीं थी। ज्योति उसके रास्ते का रोड़ा बन गई थी और अब उसने उसे रास्ते से हटाने की साजिश शुरू कर दी। हेलो पापा, पता नहीं क्यों हिम्मत टूट सी रही है। अरे बेटा जब आदमी मंजिल के बहुत करीब आ जाता है ना तो उसे एक बार लगता है कि उसे नहीं होगा। कैसे समझाऊं पापा, बहुत टफ है। अरे बेटा टफ तो तूने खुद ही चुना, सरल काम तो तू करती नहीं। देख बेटा दुनिया में तीन टाइप के लोग होते हैं। एक जो विघ्न पड़े ना उसके पहले ही छोड़ देते हैं, दूसरा विघ्न सोच के ही छोड़ देते हैं, और तीसरा
कितना भी विघ्न आए कामयाब होके छोड़ते, और मेरी बेटी तीसरे वाली है। आप क्या अपनी बेटी को उल्टी सीधे चीजें सिखा रहे हैं? सुन बेटा, तो किसी की बात मत मान। यहाँ पेपर पे ना तुम्हारा नाम छप रहा है कि तेरी जान को खतरा है। ऐसा कर बेटा, तू ना सब छोड़ के आ जा। देख बेटा, तेरे अकेले के लड़ने से ना पूरी दुनिया का जुर्म खत्म नहीं हो जाएगा। तू मेरी बात मान बेटा, छोड़ दे सब कुछ, चलिए वापस घर। अपने पिता के प्रेरक शब्दों से ज्योति को हिम्मत तो मिली, लेकिन उसके पिता की बातों में छिपी एक सच्चाई ये भी थी कि ज्योति जिस रास्ते पर चल पड़ी थी उसमें सिवाय मुसीबतों के कुछ और नहीं था। उस लिहाज से रामनी और विजेंद्र के खिलाफ उसकी ये जंग उसकी माँ के शब्दों में खुद को कुर्बान करने के बराबर ही थी, क्योंकि इतने दिनों में ज्योति को यह अंदाजा तो हो ही चुका था कि रामदीन मौका मिलते ही उसका कत्ल करने से भी नहीं चुके। अब ऐसे में रामदीन और विजेंद्र को गिरफ्तार करने का उसका ये अभियान क्या उसकी जान से भी ज्यादा कीमती था? और था तो क्यों? पोजीशन लो। मैडम, आप निकलिए मैडम, एक अंदर है एक बाहर है, मैं आपको कवर दे रहा हूं, आप निकलिए मैडम। ए, चल। कौन हो तुम? मेरी कोई गलती नहीं मैम, मुझे रामदीन बाबू ने आपको मारने के लिए भेजा था। अशोक बाबू, हॉस्पिटल ले जाइए इसे। सर, समय कल सुबह फोर्स को लेकर विजेंद्र और रामदीन को गिरफ्तार करने जा रही हूँ। ओके। सर, उन्होंने मेरे घर पर आज अटैक किया है। आज अटैक किया है, कल कुछ और कर सकते हैं, और इससे पहले मैं उन्हें गिरफ्तार करना चाहती हूँ। ओके। मेरे पास वारंट नहीं है और परमिशंस भी नहीं है सर। All right. पर फिर भी मैं कल जाकर उनका आतंक खत्म कर दूंगी। आएगा तो गोली मार देंगे। चल अंदर। ए रुक। बाबूजी, हाँ, चल चल चल, गोली मार दे बाबूजी। अच्छा अच्छा, ठीक, तू आ गया से, तल्ली बात। विजेंद्र रुको, गोली मार दूँगी। बाबा, ले। पकड़ इसको, ले चल इसे, चल। ज्योति ने एक बेहद कठिन लड़ाई लड़ी, एक ऐसी लड़ाई जिसके बारे में सोचकर अच्छे अच्छे पुलिस वालों को भी पसीने छूट जाया करते थे। रामदीन अपनी एक अलग सत्ता कायम करने चला था, एक समानांतर सत्ता, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। ज्योति ने उसके साथ साथ उसके आपराधिक साम्राज्य को भी जड़ से उखाड़ फेंका। विजेंद्र को भी उसके किए की सजा मिली। उसे सजा दिलवाकर ज्योति ने न सिर्फ सुमन के पिता से किया हुआ अपना वायदा निभाया, बल्कि अपनी सहेली आशा की तरह अनेक लड़कियों के उत्पीड़न को रोकने की तरफ एक सार्थक पहल भी की। अब अपराधियों और उनके रहनुमाओं के पास ज्योति के इस विजय रथ को रोकने का कोई उपाय नहीं बचा था, वो बस उसका रुख मोड़ सकते थे। सो तबादले होते रहे और ज्योति बिना थमे अपना काम करती रही। ज्योति जैसी महिलाएं सचमुच हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे समाज में और कई ज्योतियां प्रज्वलित होंगी जो अन्याय और जुर्म के खिलाफ इस जंग को जारी रखेंगी। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही मिसाल के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स। तो सावधान।